बीते कुछ महीनों में तुर्की का नाम जब भी सुना गया वो हमेशा विवादों के कारण ही सुना गया। तुर्की ने पाकिस्तान से कथित तौर पर परमाणु फॉर्मूला के चक्कर में दोस्ती की और भारत के अंदरूनी मामले कश्मीर को लेकर टिप्पणी करने की गुस्ताखी की। तब से ही भारत और तुर्की के रिश्तों में खटास है। लेकिन ये देखने में आया है कि बीते सालों में शांत रहने वाला तुर्की हाल के वक्त में कट्टरता और इस्लाम का एपिसेंटर बनने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो न सिर्फ पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक मुल्कों के साथ उठ बैठ रहा है बल्कि वो अपने पड़ोसियों से खुलेआम पंगा भी ले रहा है। हाल के घटनाओं को देखे तो भारत के दो मित्र देशों से तुर्की उलझ रहा है, एक है ग्रीस और दूसरा है फ्रांस। तुर्की के साथ इनका विवाद क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ग्रीस के साथ तुर्की के विवाद का सबसे बड़ा बिंदु भूमध्य सागर में गैस और तेल है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल के दिनों में तुर्की के जहाज पर ग्रीस के क्षेत्र में आने का आरोप लगा, जिसके बाद से हुई बयानबाजी ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। तुर्की के आक्रामक रवैये और विस्तारवाद को रोकने के लिए फ्रांस ग्रीस के समर्थन में आ गया, जिससे अब दोनों देशों से उसकी ठन गई है। हाल में ग्रीस ने कहा कि उसने तुर्की के F-16 को खदेड़ा है क्योंकि वो उसके वायु सीमा में प्रवेश कर रहा था। तुर्की लगातार अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। आक्रामक तेवर से निपटने के लिए ग्रीस फ्रांस से 18 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। इनमें से ग्रीस को 8 राफेल विमान फ्री में मिल रहे हैं। इससे तुर्की बुरी तरह से बौखला गया है और आने वाले दिनों में ये तल्खी और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वैसे जब से तुर्की ने कश्मीर के मामले पर अनर्गल बयानबाजी शुरू की, तब से ही भारत तुर्की के आस पड़ोस के देशों के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत कर रहा है। भारत ने तुर्की को उसकी बयानबाजी के लिए भी कई बार फटकार लगाया है। अब बात भारत के दोस्तों की, फ्रांस और भारत के रिश्ते जगजाहिर हैं। गलवान की घटना के बाद तो फ्रांस ने भारत को अपनी सेना का समर्थन तक दिया। वहीं ग्रीस से भी भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत ग्रीस के बीच बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो ट्रेड भारत के पक्ष में दिखता है। भारत ग्रीस को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इम्पोर्ट बहुत कम मात्रा में करता है। भारत ग्रीस के राजनीतिक संबंध साल 1950 से ही हैं और भारत लगातार हाल के सालों में ग्रीस से अपने रिश्तों को और मजबूती दे रहा है। तुर्की का अगर ऐसा ही रुख रहा तो ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तुर्की के दुश्मन और बढ़ते जाएंगे और वो खुद अपने आस पड़ोस के देशों से घिरता जाएगा।